तो क्वेश्चन है, दो स्प्रिंग्स हैं K1 एंड K2, मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन भी किया हुआ है ये। दो स्प्रिंग्स हैं K1 K2, और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा है और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा है। आपको बताना है किसमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा अगर दे आर स्ट्रेच विद सेम फोर्स, यानी कि फोर्स की वैल्यू दोनों की एग्जैक्टली सेम है। अब एक बात बताओ, फोर्स सेम है, के डिफरेंट है, तो एक्स भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा। तो मान लो एक ही एक्सपेंशन X1 है, एक ही X2 है, तो आपको क्या बताना है? पहले केस में फोर्स सेम है, मैंने फोर्स सेम कर ली, फोर्स सेम करके X1 X2 की रेशियो निकाल ली। हमने क्या निकालना है कि वर्क डन किसका ज्यादा किसका कम। तो पहले स्प्रिंग को खींचने का वर्क डन क्या है? हाफ K1 X1 स्क्वायर, और दूसरे का क्या है? हाफ K2 X2 स्क्वायर। तो X1 को दो बार लिख लिया, X2 को दो बार लिख लिया, तो K1 X1 क्या होता है F, K2 X2 क्या होता है F, F से F कैंसिल क्योंकि दे आर एक्सपेंडेड बाय सेम। तो क्या बचा? X1 बाई X2। अब X1 बाई X2 की रेशियो क्या है? K2 बाई K1। आपको क्वेश्चन में साफ पता है कि K1 ग्रेटर देन K2 है। अगर K1 ग्रेटर देन K2 है तो फ्रैक्शन इज लेस देन 1, तो यानी कि दिस फ्रैक्शन W1 बाई W2 इज लेस देन 1, मतलब W1 इज लेस देन W2 आंसर है, ये आंसर है। तो आपने क्या करना है? पहले फोर्स को इक्वेट करना है, एक्स की रेशियो निकालनी है, वर्क डन की रेशियो लिखनी है, इसको दो बार लिखना है, ये वैल्यू एफ और एस है, एफ और एस काटना है, X1 X2 की जगह K2 K1, फिर K1 बड़ा है K2 से, फ्रैक्शन लेस देन 1, W1 लेस देन W2। तो समझ में आ रहा है कैसे मैथमेटिकली प्रूव करना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन फिर आएगा, ध्यान से याद मत करके चले जाना कि हमेशा ये आंसर है। वो कह रहा है दे आर स्ट्रेच बाय सेम फोर्स, नहीं, दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट। एक्स सेम है, अब एक्स सेम है तो वर्क डन के फॉर्मूले में एक्स सेम है, ये आसान है, कट गया K1 बाई K2, क्योंकि K1 ग्रेटर देन K2 तो W1 ग्रेटर देन W2, ये पेपर में आएगा। ध्यान से पढ़ना, दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स है या दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है?